फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने आई हूँ इस चैनल पे कि शोल्डर की घटाई और गले पे जो डिज़ाइनर पट्टी है उसके बारे में बताऊंगी आपको। इसमें मैंने 4 के मल्टीपल में फंदे डाले हुए हैं। एकदम फैंसी स्वेटर जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हो आप इसको। जो फैंसी स्वेटर होती है एकदम बहुत बढ़िया, वो डिज़ाइन है ये और बस उसका पैटर्न है ये। पहला फंदा स्टिच उठा लिया, एक फंदा उल्टा और ये हमारा पैटर्न डलेगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ, ये धागा आगे करेंगे, एक फंदा हमारा सीधा आ जाएगा, एक सीधा धागा घुमा के सीधा, ये 3 फंदे और ये एक उल्टा, ये हमारे 4 के मल्टीपल में 3 का पैटर्न पड़ेगा और एक फंदा गैप के लिए, ये हमारे 4 के मल्टीपल में होगा। फिर नेक्स्ट को भी ऐसे ही करेंगे, हमने एक सीधा बना लेंगे धागा घुमा के, ये सीधा, फिर एक उल्टा। बहुत सुंदर मेथड है ये स्वेटर बनाने का। ऐसे तो काफ़ी मेथड से बनाया जाता है सिंपल, लेकिन एकदम सुंदर परफेक्ट फैंसी स्वेटर डिज़ाइन है हाफ स्वेटर के लिए। ये हमने फिर एक उल्टा फंदा धागा पीछे करना है। ये हमने बटन पट्टी के लिए हमने यहाँ पे 14 स्टिच रखे हैं। ये मैंने सैंपल के लिए थोड़े फंदे डाले हैं। ये जो फ्रंट का होता है स्वेटर का हिस्सा वो है। आपके जितने भी आपकी स्वेटर के फंदे डलते होंगे, 70, 65, 60 जितने भी आप डालते होंगे उसी हिसाब से आपने ये बटन पट्टी रखनी है। और ये मैंने थोड़ा सा सैंपल बताने के लिए आपको बताया। ये आगे हमारा डिज़ाइन है, एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। ये बटन पट्टी बनाने के बाद है ये सिंपल हमारा, 3 फंदे हमारे सीधे, एक फंदा हमारा उल्टा। ये हमने सारा यहाँ तक एंड तक ऐसा ही बनाना है, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। ये लास्ट में भी हमारे आ जाएंगे यहाँ पे 3 फंदे सीधे और ये स्टिच हमने सीधा बना लेना है। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है और मैं हमारी जो रॉन्ग साइड है, पहला फंदा स्टिच उठा लेंगे, यहाँ पे हमारे 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इसमें रॉन्ग साइड में, सॉरी, मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई है। जो हमें जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही बनाना है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। ये रॉन्ग साइड हमारी सारी ऐसे ही बनेगी यहाँ तक पूरा। ये देखिए मैंने इतना बना लिया, अगर पूरा बना के दिखाती तो वीडियो लंबा हो जाना था। ये बटन पट्टी का इतना हिस्सा और ये जो बाकी सिंपल डिज़ाइन था हमारा 3 सीधे उल्टा, ये इतना बना लिया मैंने। ये हमारी जो स्वेटर है उसका फ्रंट हिस्सा है, ठीक है। ये यहाँ से हमारी 14 और ये हमारे, अब इसको ध्यान से देखते रहना है। ये वाली रो हमने कंप्लीट करनी है, स्टिच उठा के हमारा एक फंदा उल्टा और ये हमने फिर से यहाँ पे जो बटन पट्टी का पैटर्न है उसे डाल लेंगे, जो हमारा डिज़ाइन है ये। और फ्रेंड्स, इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत फैंसी अलग मेथड है ये स्वेटर का। ऐसे तो हम लोग स्वेटर बनाते हैं पर इस ढंग से नहीं हमने बनाई है, तो इसलिए इसे ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगता है ये। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना। ये हमारा पैटर्न है, 14 फंदे रखे हैं हमने अपने बटन पट्टी के लिए। ये जब हमने यहाँ तक बनाना है, इसको आपको बताए थे यहाँ ये बटन पट्टी के, और यहाँ से हमने ये हमने शोल्डर के लिए हमने जो यहाँ पे पैटर्न बनाना है हमारे होंगे 3, एक फंदा उल्टा, और यहाँ पे पैटर्न डलेगा, ध्यान से देखते रहना। ये
एक बंदा सीधा धागा आगे घुमाएंगे, एक बंदा सीधा। फिर ये तीन कंधे, ये हमारे शोल्डर के लिए हमने यहाँ पे 16 कास्टिंग रखी है, 16 फंदों का 16 फंदे रखे हमने शोल्डर के डिज़ाइन के लिए। अब ये जो रॉन्ग साइड हमें जैसे दिखाई दे रही है उसको वैसे ही बना लेंगे, उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा। ये बटन पट्टी आ गई और यहाँ पे हमने इतना बना लेना है शोल्डर के लिए। अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखते रहना। ये हमारे इतना बना लिया ये बटन पट्टी, बीच में इतने फंदों का गैप। अब इसे ध्यान से देखते रहना, हमने घटाई डालनी है यहाँ पे। पहला फंदा स्टिच उठा लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और ये जो हमारा जो पैटर्न डलेगा वो है ये। ध्यान से देखना है इसको, जो हमारा फ्रंट स्वेटर का डिज़ाइन जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है ये वो है। इसमें हमने कैसे घटाई डालनी है गले की भी, और जो पट्टी के साथ गले की घटाई और शोल्डर की घटाई दोनों को एक साथ बताया है, ध्यान से देखना। ये हमारा भी पैटर्न बन रहा है। ये जो बटन पट्टी का पैटर्न है, जितना हमारा 14 फंदों का होता है, ये हमने 14 के 14 ही रहने देने। यहाँ पे हमने घटाई बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो हमारी जो पट्टी है ये सारी गड़बड़ हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखना, हमने 14 फंदे हमारे बन गए हैं। अब इसके जो साथ वाले दिखाई दे रहे, साथ के फंदे जो दिखाई दे रहे हैं, इसे हमने दो का एक करना है, टू निट टुगेदर, ठीक है, निट टुगेदर। एक फंदा यहाँ से हमने डिक्रीज कर दिया है। 14 फंदे हमने पट्टी के रखे थे, 14 फंदे हमने पट्टी के रखे थे, वो हमने 14 के 14 रहने देने, लेकिन उसके साथ के जो आगे वाले फंदे होते हैं उसको हमने डिक्रीज करना है एक फंदा। फिर हमारे जो बीच के सिंपल हमारे स्टिच दिखाई दे रहे हैं, सीधे पे से तीन सीधे एक उल्टा, वो बनाना है। और फिर हमने ये जो शोल्डर वाला डिज़ाइन है ये भी हमने कंप्लीट करना है। अब चलते हैं अपनी रॉन्ग साइड की तरफ, एकदम ध्यान से देखना है। राइट साइड में हमने ये जो है यहाँ पट्टी के साथ हमने डिक्रीज किया था फंदा। फिर पूरी सिलाई बनाने के बाद हम अपनी रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर हमने ध्यान से देख रहना, 1, ये हमारा 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया हमारा 7 और 8। 8 फंदे हमने लगातार यहाँ पे हमने घटा देने हैं, कंटिन्यू 8 फंदे हमने डिक्रीज कर देने हैं। बाकी सिंपल मेथड में हम करते हैं 5, 4, 3, 2, 1 की घटाई करते हैं कंधों की, लेकिन ये हमारी हाफ़ स्वेटर का डिज़ाइन बता रही हूँ, हाफ़ स्वेटर का मेथड है। इसमें हमने कंटिन्यू 8 फंदे डिक्रीज करने हैं और अपने रॉन्ग साइड पूरी कंप्लीट कर लेनी है। फिर से हम अपनी राइट साइड की तरफ आएंगे, बटन पट्टी का जो पैटर्न है हमने वो डालना है। ये अभी मैंने ये बच्चों की स्वेटर का बताया है, जो जेंट्स की लेडीज़ की फुल स्वेटर बनाएंगे उसमें हमारे 70 स्टिच डलेंगे और ये जो बटन पट्टी के 14 फंदे ही रहेंगे, और जो शोल्डर है हमारा वहाँ पे 16 की जगह हमारा एक पैटर्न और डल जाएगा, हमारा 20 या 24 कर लेंगे। और वो जो हमने कंटिन्यू घटाई की है 8 फंदों की, उसमें हमने 10 फंदे घटाने हैं। लेकिन ये हमारा ये बच्चों का स्वेटर का दिखाया, ये देखिए पट्टी बनाने के बाद एक साथ एक और हमने घटा लिया है। यहाँ पे हमने कंटिन्यू जो बटन पट्टी है उसके साथ हमने कंटिन्यू फंदे घटाते जाने हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड देखिए, रॉन्ग साइड हमारा जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बना लेंगे। अब ये हमारे शोल्डर में हमने कोई घटाई नहीं करनी है, यहाँ पे कंटिन्यू हमने 8 फंदे घटा दिए हैं, यहाँ पे कोई घटाई नहीं करनी हमने, बस रॉन्ग साइड हमने बना लेना है, 3 उल्टे 1 सीधा, ठीक है। और ये हमने पूरा ऐसे बना लेना,
पे वीडियो में बना के दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देखिए इतना बना लिया है और ये बटन पट्टी के साथ हमारी घटाई हो जाएगी। इसको हमने कंटिन्यू पहले 4-5 घटाई करनी है शेप देने के लिए, उसके बाद हमने कंधे के हिसाब से हमने घटाई करनी है, फिर तीसरी चौथी में भी रख सकते हो क्योंकि हमारे फंदे कम हो जाएंगे और घटाई पूरा नहीं होगा कंधा, इसलिए हमने इस हिसाब से घटाई करनी है। पहले तो 3-4 फंदे लगातार, फिर उसके बाद हमने उस हिसाब से तीसरी चौथी में घटाई शुरू कर देनी है ताकि हमारा जो कंधा है वो एकदम बराबर आए। ये देखिए इसे टाई करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर देना।